हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस एंड इंग्लिश ज्ञान गंगा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के दूसरे लेशन। ठीक है, इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर लेकर आए हैं और महत्वपूर्ण नोट्स बनाया हुआ है मेरे द्वारा, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। और आप इसे नोट्स बनाएंगे ध्यान से, क्योंकि अर्थशास्त्र और इतिहास दोनों के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, आधुनिक इतिहास की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो अर्थशास्त्र पर है। तो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, दूसरा है महालवाड़ी व्यवस्था की भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम, यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था की भूधारण प्रणाली लिखा है, और महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किसने की थी तो वो दूसरा बिंदु है। और ये भूधारण प्रणाली सर्वप्रथम आगरा एवं अवध में 1833 ईस्वी में विलियम बेंटिक के द्वारा की गई। विलियम बेंटिक ने सबसे पहले आगरा और अवध में महालवाड़ी भूधारण प्रणाली व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक, फिर अगला बिंदु है 20वीं सदी के पूर्व में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम थी तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर 0.5% थी। ठीक है, तो 20वीं सदी के पूर्व में अर्थात 1900 ईस्वी से पहले जो भारत की राष्ट्रीय आय थी उसकी जो वृद्धि दर थी वह 2% से कम थी, और प्रति व्यक्ति आय जो थी वह बहुत कम थी। कितनी थी? 0.5%। ठीक है, ये जो प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर थी वह 0.5% थी। मतलब अगर कोई एक व्यक्ति ठीक एक वर्ष में 1 रुपया कमाता है, ठीक है, 1 रुपया कमा पाता है, तो 1 रुपये का यह 0.5% अगले वर्ष वो वृद्धि कर पाता था। अब आप समझ जाइए, ठीक है, कि अगर 1 रुपया अर्थात 100 पैसा, और अगर 5% हो तो 5 पैसा, और यहाँ पे कितना लिखा है 0.5%, मतलब पैसे से भी कम उसका उत्पादन होता था, मतलब वृद्धि होती थी प्रति व्यक्ति आय में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कृषि क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र की स्थिति, तो अभी तक हमने पढ़ा था निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, और अब जो है हमारी दूसरी जो अर्थव्यवस्था भारतीय स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर थी, दूसरी स्थिति वो क्या थी? कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति या कृषि क्षेत्र की स्थिति। तो 20वीं सदी के समय में ग्रामीण जनसंख्या लगभग कितनी थी? 85% थी, तथा कृषि ही मुख्य जीविका का आधार थी। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि 90% जनसंख्या कृषि गांव में रहती थी। तो अंग्रेजों से पहले की बात है वो, ठीक है, जब अंग्रेज भारत पर शासन नहीं करना प्रारंभ किए थे उससे पहले की बात है कि 90% ग्रामीण जनसंख्या थी। ठीक है, और जब अंग्रेज आए 20वीं सदी के समय में यानी 1900 से 1999 के बीच, तो जो ग्रामीण जनसंख्या थी वह 85% थी, और कृषि ही उनके जीवन का मुख्य आधार थी। तो इस समय कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया के साथ साथ समय समय पर कृषि में भारी गिरावट हुई। गतिहीन विकास की प्रक्रिया का मतलब विकास ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि रुकी हुई प्रक्रिया है कृषि क्षेत्र में, एकदम रुकी हुई प्रक्रिया है। ठीक है, विकास ही नहीं हो रहा था, बहुत मंद विकास हो रहा था, और समय समय पर तो भारी गिरावट भी होती थी। मतलब इतना दोहन हो रहा था कि कृषि क्षेत्र में सुधार होने की बजाय, ठीक है, कृषि क्षेत्र में एकदम और सुधार की जगह विखंडन हो रहा था पूरी तरह से। ठीक, विखंडन हो रहा था, मतलब कृषि क्षेत्र को सुधार करने की बजाय नष्ट करने में लगे हुए थे जो औपनिवेशिक सरकारें थीं। तो इसका प्रमुख कारण तात्कालीन भू व्यवस्था, यानी जो तात्कालीन भू व्यवस्था थी, राजस्व व्यवस्था थी तथा कृषि का व्यवसायीकरण था, ये नीतियाँ
जो है इसमें उत्तरदायी रही हैं। ठीक, तो भू व्यवस्था कौन सी थी? तो अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र में भूमि और राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी जैसी भू घृत पद्धतियों को लागू किया था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी ये सब क्या थी, हम एक एक करके पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ महत्वपूर्ण लगे वहाँ नोट कर लीजिएगा। तो जैसे जमींदारी प्रथा क्या थी, तो जमींदारी प्रथा वह व्यवस्था थी, ठीक है, जमींदारी प्रथा वह व्यवस्था थी जिसमें जमीन को ऊंची बोली लगने पर किसी ठेकेदार को दी जाती थी। किसको दी जाती थी? ठेकेदार को। तो यह व्यवस्था कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई थी और जो इजारेदारी व्यवस्था थी उसी के विरोध में थी। ठीक है, तो इजारेदारी व्यवस्था ही ठेके पर दी जाने वाली, यानी भूमि को ठेके पर दी जाने वाली व्यवस्था थी इजारेदारी व्यवस्था, और इसी व्यवस्था में सुधार किया गया था, अर्थात जमींदारी व्यवस्था भी एक प्रकार से ठेके पर दी जाने वाली भूमि व्यवस्था थी, लेकिन सुधार करके क्या किया गया कि जो इजारेदार था उसी को जमींदार बना दिया गया, जमींदार या जागीरदार बना दिया गया। बात समझ में आ रही? तो मतलब अब वह कुछ समय तक उस खेती का संरक्षण कर सकता था। और लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था कौन? इजारेदारी व्यवस्था। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में शुरू किया, ठीक है, 1772 में शुरू किया था। तो सॉरी, मतलब लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदारी व्यवस्था शुरू की थी और जो इजारेदारी व्यवस्था थी यह किसने शुरू की थी? तो 1772 ईस्वी में 5 वर्षों के लिए भूमि को ठेके पर दी जाती थी, बोली लगने पर दी जाती थी। ठीक है, बोली लगने वाले यानी ऊंची बोली लगाने वाले लोग ही भूमि व्यवस्था को, मतलब भूमि को ले पाते थे या ले जाते थे। आई बात समझ में? तो ये जो इजारेदारी व्यवस्था थी तो इसमें कमियों को दूर करने के लिए ही किसकी शुरुआत की गई? तो जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई, जमींदारी व्यवस्था, जिसे जागीरदारी या मालगुजारी या जमींदारी या वेशवेदारी व्यवस्था कहा जाता है। जमींदारी व्यवस्था को ही, ठीक है, जागीरदारी, मालगुजारी, जमींदारी या वेशवेदारी व्यवस्था कहा जाता है। आई बात समझ में? तो चलिए आगे देखते हैं। जमींदारी व्यवस्था जेम्स ग्रांट व सर जॉन सोर के सलाह पर लागू की गई थी। तो जमींदारी व्यवस्था किसके सलाह पर? लॉर्ड कार्नवालिस ने लागू की थी। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस ने किसके सलाह पर लागू की थी? तो जेम्स ग्रांट और सर जॉन सोर के सलाह पर लागू की थी। ठीक, आगे है हमारा अगला बिंदु है, सबसे पहले बंगाल, बिहार, फिर उड़ीसा तथा बाद में उत्तर प्रदेश में बनारस में और सबसे बाद में कर्नाटक के 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में बनारस और उत्तरी कर्नाटक की कुल, इन सब कुल भूमियों पर, यानी कुल जो भूमियां थी उसके 19% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? तो जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी कुल भूमियों पर। चलिए हमारा अगला जो बिंदु है, क्या है? मालगुजारी, जो मालगुजारी थी, ठीक है, मालगुजारी किसान से वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकारी कोष में जमा होता था और 1/11 भाग जमींदार के पास रहता था। अब सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में मालगुजारी वसूली जाती थी,
इतनी बड़ी मात्रा में, ठीक है, कि मतलब जितना उत्पादन हो रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा किसान जमींदार को देता था, और जमींदार जो प्राप्त करता था उसका 10/11 भाग अंग्रेज ले जाते थे, ठीक है। तो मालगुजारी लगान के अंतर्गत कितना भाग अंग्रेज ले जाते थे जमींदारों से, तो 10/11 भाग, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 रुपये की का उत्पादन हुआ है, तो मतलब 100 रुपये अगर जमींदार को मिले हैं, तो 100 रुपये को 11 भागों में बांटना है, 11 भागों में बांटना है, ठीक है। और 100 रुपये को 11 भागों में बांट कर 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखेगा। अब सोचिए 100 रुपये को 11 भागों में बांट कर 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखता था, और 10/11 भाग अंग्रेज ले जाते थे, 1/11 भाग जमींदार के पास और 10/11 भाग अंग्रेज ले जाते थे, सरकार ले जाते थे, यानी सरकारी कोष में जमा होता था। इतनी बड़ी जो है वसूली हो रही थी अंग्रेज़ों के द्वारा, तो भारत कहाँ से उन्नत करेगा, ठीक। और क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था, दूसरी व्यवस्था है हमारी महालवाड़ी व्यवस्था। तो महालवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इस व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया था या किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था, मतलब कुछ गांव के लोग मिलकर एक बड़ी सी भूमि पर या भूमि के छोटे से हिस्से पर, ठीक है, अपना अधिकार समझकर खेती करते थे, ठीक। और साथ ही ग्राम समुदाय के सभी ग्रामवासी सामूहिक लगान जमा करते थे, और सभी लोग एक साथ लगान जमा करते थे। हालांकि उन्हें छूट भी दी गई थी कि समुदाय के सदस्य अलग अलग लगान भी जमा कर सकते थे, ठीक है। यानी जो ग्राम समुदाय के ग्रामवासी थे, खेती करने वाले किसान थे, वे लगान को अलग अलग भी जमा कर सकते थे और एक साथ सामूहिक रूप से भी जमा कर सकते थे, ठीक। फिर महाल के अंतर्गत छोटे व बड़े सभी स्तर के जमींदार आते थे। तो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, महालवाड़ी व्यवस्था को मानना था तो सभी लोग आते थे। किन क्षेत्रों में लागू की गई थी या किस प्रस्ताव के द्वारा लागू की गई थी, ये प्रश्न पूछा गया है। हालांकि ये बड़े एग्जाम्स में ही पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है कहाँ पर लागू की गई थी आप ये याद रखिएगा। तो इस प्रस्ताव को, ठीक है, कौन से महालवाड़ी व्यवस्था के प्रस्ताव को, सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7, यानी यह एक जो है नियम था रेगुलेशन 7 के द्वारा कानूनी रूप से कहाँ सबसे पहले लागू किया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब में लागू किया। याद रखिएगा, ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि 1822 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था निम्न में से किस स्थान में लागू नहीं हुई थी, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ऐसे सीधा सीधा लिखा होगा तो आपको याद रखना है। अगर ऐसे आ गया कर्नाटक, चेन्नई, कर्नाटक, मद्रास या पश्चिम बंगाल, तो वहाँ पर लागू नहीं हुआ था 1822 में। फिर इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का लगभग 33% भाग सम्मिलित था। बाद में जो है बहुत बड़ी भूमि, ब्रिटिश भारत भूमि, यानी जहाँ पर ब्रिटिश अधिकार हो गया था, ठीक है, प्रत्यक्ष शासन, यानी ब्रिटिश प्रांत हो गए थे, उनके कुल 30% भागों पर यह व्यवस्था अर्थात महालवाड़ी व्यवस्था लागू कर दी गई थी, ठीक। फिर आगे क्या लिखा है, 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 9, कब, 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 9 के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक तथा मार्टिन बर्ड, ये दोनों ने आपसी सहयोग के दर से, और मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है, किसको, मार्टिन बर्ड को, पारित कर लगान की दर जो आरंभ में 80% थी उसको 66% कर दिया। किस रेगुलेशन के तहत 66% किया गया, रेगुलेशन 9 में, और किस वर्ष में, 1833, ठीक है, तथा आगरा एवं अवध क्षेत्र में लागू किया गया, आगरा और अवध क्षेत्र में लागू किया गया। और इसको क्या कहते हैं, भूधारण प्रणाली, यानी महालवाड़ी भूधारण प्रणाली कहते हैं। आई बस समझ में, इसे क्या कहते हैं, महाल
वाणी भूधारण प्रणाली, महालवाड़ी भूधारण प्रणाली कहते हैं। तो ये कहाँ लागू किया गया था? तो आगरा में और अवध क्षेत्र में लागू किया गया था, ठीक है। हालांकि दोनों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ही हैं। तो 1855 ईस्वी में सहारनपुर नियम के अनुसार, अब यहाँ पे एक और नियम, सहारनपुर नियम के अनुसार लॉर्ड डलहौजी ने लगान की दर को 50% कर दिया। यानी सबसे पहले कितना था, 80% था, बाद में 66% किया गया, और उसके बाद जो है 50% किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने जो है 50% कर दिया सहारनपुर नियम के अनुसार। फिर अगली हमारी जो भूमि व्यवस्था है उसका नाम क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो इसके अंतर्गत प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता। पंजीकृत मतलब उसका नाम अंकित होता था, पंजीकरण होता था कि इस भूमि का स्वामी यही है, और लगान देने का उत्तरदायी होता था, तथा वही उसी को लगान भी देना होता था, चाहे वह खेती करके लगान दे अर्थात खेती करवा के लगान दे अथवा खेती करवा के लगान दे, ठीक है। लगान देने का उत्तरदायी तो उसी के पास होता था, तथा इसके पास भूमि को रखने तथा बेचने का भी अधिकार होता था। मतलब वह अपने पास भूमि को रख भी सकता था, यानी कौन, पंजीकृत भूमिदार, ठीक है, पंजीकृत जो भूमि का स्वामी होता था वही अपने पास भूमि को रख भी सकता था और उसे बेच भी सकता था, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत बेच भी सकता था। तो यह व्यवस्था लागू कहाँ की गई, चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड में। हम अपने यह व्यवस्था कहाँ लागू की गई, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में लागू की गई, ठीक है। तो 1792 ईस्वी में कहाँ लागू की गई, टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में, तथा 1835 में विनगेट द्वारा, किसके द्वारा, विनगेट द्वारा मुंबई में शुरू किया गया, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत दो लोगों को याद रखना है, दो जगह से याद रखना है, 1792 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने मद्रास में लागू किया, तथा 1835 ईस्वी में विनगेट ने मुंबई में लागू किया, मुंबई में। तो शुरुआत में मालगुजारी की दर 30-33% थी, बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया, और बाद में और बढ़ाया गया, लगभग 72 मतलब 60-72% के बीच में किया गया था, ठीक है। और प्रभावित क्षेत्र कौन थे, तो मद्रास, मुंबई और असम थे, बाद में असम में भी लागू किया गया, ठीक है। महालवाड़ी व्यवस्था से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, जमींदारी व्यवस्था से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसमें जो हमने अंडरलाइन किया हुआ है या गोला लगाया हुआ है यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। परीक्षा की दृष्टि से भी कुछ तथ्य हैं, लेकिन उससे पहले और कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। क्या था कृषि का व्यवसायीकरण, ठीक है, क्या था, हमने इसमें दिया नहीं है लेकिन समझा दे रहे हैं, और आप इसको अगर ध्यान से सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से, या आप अगर नोट्स भी बना लेते हैं सुनकर, तो निश्चित रूप से आपके परीक्षा की दृष्टि से वह भी महत्वपूर्ण है। तो अंग्रेज़ों ने जो है भारत में उच्च उत्पादकता के लिए नगदी फसलों की शुरुआत भी कर दी थी, और उन फसलों का व्यवसायीकरण करना चाह रहे थे वो, ठीक है। तो व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की शुरुआत कर दी थी, और जो उच्च उत्पादकता का लाभ होता था अर्थात अत्यधिक जो लाभ होता था वह भारतीय किसानों को नहीं मिल पाता था। तो जो भारतीय किसान थे, कौन, भारतीय किसान, वह उच्च उत्पादकता से वंचित रह जाते थे, ठीक है। तो उच्च उत्पादकता के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें शुरू की गई थी, तो जैसे कपास हो गया, नील हो गया, गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, ठीक है, चाय, पटसन, ये सब नगदी फसलें थी और व्यावसायिक फसलें, यानी कपास, गन्ना, कपास, गन्ना, नील, ठीक, कॉफ़ी, पटसन, पटसन का मतलब वही पेटुआ, पटसन और चाय, ये व्यावसायिक खेती थी, और अंग्रेज़ों ने इनको ज़्यादा बढ़ावा दिया था, लेकिन इनकी उत्पादकता जो होती थी, अत्यधिक उत्पादन करने वाली फसलें थीं, और
ये अत्यधिक जो उत्पादन करने वाली फसलें थीं इनमें किसी भी भारतीय किसान को कोई लाभ नहीं मिलता था, ठीक है, क्योंकि वह जो है खाद्यान्न अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खाद्यान्न का उत्पादन करते थे और अब खाद्यान्न पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो उनके लिए कपास, गन्ना, नील, कॉफ़ी, पटसन, चाय आदि का कोई महत्व बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जीवन जीने के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, पेट भरने के लिए किसकी, खाद्यान्नों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खाद्यान्न की जगह अब कौन सी फसलों को बढ़ावा दिया जा रहा था, कपास, गन्ना, नील, कॉफ़ी और पटसन तथा चाय, ठीक है, और ये जो व्यवसाय के लिए नकदी फसलें थीं इनकी मांग सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, तो इंग्लैंड में जो कारखाने लगे हुए थे वहाँ पर इनकी मांग सबसे ज़्यादा होती थी, ठीक। चलिए, शायद ये बिंदु समझ में आ गया हो। आगे परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, बिंदु हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट्स बनाइए, ठीक है, परीक्षा दृष्टि के अंतर्गत। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ठीक है, तो किसमें किया था, यहाँ पे मैं लिख लीजिएगा। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सर्वप्रथम औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, और ऐसा करने वाले वो प्रथम भारतीय थे, ऐसा करने वाले वो प्रथम भारतीय थे। हमने पिछले उसमें पढ़ा भी है कि इन्होंने 1867-68 में, ठीक है, 1867-68 में इन्होंने क्या दिया था कि जो भारतीय व्यक्ति है वह एक वर्ष में कितना कमा लेता है, 20 रुपये कमा लेता है, ठीक है, और पहले भारतीय थे जिन्होंने ऐसा कुछ कहा था। और यह कब कहा, यानी कौन सी पुस्तक में कहा, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और कब कहा था, तो 1867-68 के दौरान, 1867-68 के दौरान कहा था, ठीक है। और इन्होंने धन निकास सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, ठीक, ड्रेनेज सिस्टम का प्रतिपादन इन्होंने किया था। तो याद रखिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है, ड्रेन सिस्टम प्रणाली, ठीक है, ड्रेन सिस्टम प्रणाली या ड्रेन सिस्टम या ड्रेन थियरी के नाम से भी जाना जाता है, ड्रेन थियरी, THEORY थियरी। फिर अगला बिंदु है हमारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रसिद्ध कृति इंडिया डिवाइडेड है, और यह वनडे एग्जाम में पूछा गया है, PCS में भी पूछा गया है, इसको याद कर लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र की प्रसाद की प्रसिद्ध कृति क्या है, इंडिया डिवाइडेड, ठीक, इंडिया डिवाइडेड है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति या भारत के पहले राष्ट्रपति। फिर द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया VH बेडन पॉवेल की प्रसिद्ध कृति है, VH बेडन पॉवेल, ये कॉमा नहीं है, ये बिंदु है, VH बेडन पॉवेल की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश इंडिया में भूमि प्रणाली, किसकी पुस्तक है, VH बेडन पॉवेल की। फिर अगला है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट, एविल ऑफ ऑल एविल्स कहा, ठीक है, अनिष्टों का अनिष्ट कहा, तो एविल ऑफ ऑल एविल्स, यह भी वनडे एग्जाम में ही पूछा गया है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा, एविल ऑफ ऑल एविल्स। फिर अगला बिंदु है, विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी, विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ होती है, तो इंग्लैंड में शुरू होती है, ठीक है, हाँ, इंग्लैंड में शुरू होती है, और यह शुरू होती है 17वीं शताब्दी के आसपास। फिर भारत में 1854 ईस्वी में CN ढेवर, किसने, भारत में 1854 ईस्वी में CN ढेवर ने मुंबई में सूती मिल की स्थापना कर आधुनिक उद्योग की शुरुआत की, तो याद रखना है, ठीक, ये पूछा गया है कि भारत में सूती मिल के द्वारा आधुनिक उद्योग की स्थापना किसने की थी, तो CN ढेवर, ठीक है, CN ढेबर ने की थी। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था में ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं,
और ये बेसिक प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, विदेशी व्यापार, ठीक है, जनांकीय परिस्थितियाँ, व्यवसायी संरचना और आधारिक संरचना के अंतर्गत, ठीक, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग स्वतंत्रता के बाद हुए प्रमुख घटनाओं जो अर्थव्यवस्था से संबंधित है उसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और अपना वैल्यूएबल कमेंट्स अवश्य दें ताकि हम अपने किसी भी कमी को दूर करने में सक्षम हो पाएँ। ठीक, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।